के बावजूद दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और दिल्ली पुलिस मिली भगत से अगर हम पीटते भी हैं और मारते भी हैं, हम रोए भी ना, इनको जबरदस्ती उठाकर अंदर कर दिया गया। यह डॉक्टर एस एन गौतम जी हैं जो एक पढ़े लिखे और आज से नहीं बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब इनके साथ क्या बीता सर, आप अंदर गए प्रदर्शन के लिए? जैसे हमारे साथ में जो साथी आ रहे थे बाहर से, जो कुछ पहुंचे कुछ नहीं पहुंच पाए, और हमको ला करके यहाँ पुलिस थाने में इकट्ठा किया गया और हमारे साथ में बड़े कोई बदसलूकी नहीं की गई है, इस बात के लिए हम आपको बता दें। और जो हमारे लोग थे उनको रोका गया और यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है सरकार, जो गलत है। लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार है कि हम आपकी गलत नीतियों का विरोध कर सकें, यही हमारा भारत का संविधान। बड़े संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने आ रहे थे और हमको अरेस्ट किया गया, हमने अपनी गिरफ्तारी दी, प्रेसिडेंट को हमने अपना विज्ञापन दे दिया है और हमारे सामने ज्ञापन दिया है। और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी एक यह है कि आज जो छात्रों, किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों, अनुसूचित जाति के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के जातियों की पहचान कर करके जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इसे तत्काल सरकार को रोकना होगा। और ये जो सरकार है ये अलोकतांत्रिक है, इस सरकार की नीति अच्छी नहीं है, ये गरीबों को एकजुट होना चाहिए। इसलिए हमने एक नारा भी दिया है, चार समाज एक आवाज़, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक हो जाओ और इस सरकार को संविधान को लागू करने के लिए मजबूर कर दो, यही मेरा नारा है। जय भीम। चंद्रशेखर के साथ में जो भी हो रहा है अन्याय हो रहा है और चंद्रशेखर एक पहचान है, रोहित वेमुला के बाद चंद्रशेखर एक नौजवानों के लिए नए जोश और खरोश के साथ में एक पहचान बना है, जो अंबेडकरवादी सोच का है, संविधान के प्रति समर्पित है। हमें ऐसे नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा, उनका नेतृत्व हम लोगों को मिलजुल करके करना पड़ेगा और उनकी लड़ाई को हम सब लड़ेंगे। और उनके साथ जो हो रहा है अत्याचार है उसको दमनकारी इस नीति का विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं तत्काल जितना जल्दी हो सके चंद्रशेखर को रिलीज करें, अगर ऐसा नहीं होगा देश में उसको हालत इतनी ख़राब कर देंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हमारा वादा है। सर अभी दीपक शर्मा ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती के ऊपर भी गाली गलौज किया, कुछ लोग यहाँ युवा साथियाँ कंप्लेन लिखाने के लिए आए थे तो जो यहाँ के एसएचओ हैं या एडिशनल हैं केएल यादव जी, तो उन्होंने सीधा उनसे कहा भी आपको तो बाहरी सकती हैं, आपको पैसा दे रही हैं, आप इसलिए शोर शराबा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये राजनीति मसला है। देखिए इस तरह की बातें करने वाले और असामाजिक बातों को करने वाले, जातिवाद को फैलाने वाले लोग, तो भारत की न्यायपालिका को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि संविधान बड़ा है या जातियाँ बड़ी हैं। और लोग बाग अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से एक दूसरे का अपमान करते हैं, ये भाषा दरअसल बीजेपी और आरएसएस की भाषा है, ये आपका ध्यान बटाने की ओर है। आज आपके साथ में गलत कह दिया है, कल विरोध में भी कहा जा सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग बहुत ही शालीनता के साथ में संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए, लोकतांत्रिक शक्तियों का सदुपयोग करते हुए, हम भारत की संसद से, भारत की सरकार से, भारत की न्यायपालिका से सबसे निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान को लागू करो। यदि आपने संविधान लागू नहीं किया, न ये देश बचेगा, ये न ये देश की संस्कृति बचेगी, फिर इस देश को बनाओगे क्या? इस देश की उस साझा विरासत जिसके लिए हम दम भरते हैं संसार के सामने, वो जाएगी कहाँ? आपने तो संकल्प ले लिया है कि जब अमित शाह के बेटे को पकड़ में आने के लिए 55,000 के वो 50,000 के 84 करोड़ हो जाते हैं और लोग इसे पूछते हैं तो आप ताजमहल की बात करने लगते हैं, जब आपसे रोहित वेमुला की बात की जाती है तो आप जाति की बात करने लगते हैं, जब आप गौरी लंकेश के मर्डर की बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आप दूसरी जगह की करने लगते हैं। इस तरह से देश को नहीं चलाया जा सकता और अगर आप चलाने में अक्षम हैं, आपकी सोच दोगली है, अगर आप पार्शियल हैं, आप बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ही विकास करेंगे, उन्हीं के घर खुशहाली लाएंगे, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। संविधान के लिए हम अपना समर्पण, तन मन धन खून पसीना सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। और आओ नौजवानों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, इस देश को ज़रूरत है आज आपके उस संकल्प की,
जिससे कि देश का संविधान बचेगा, आपकी ज़िंदगी और आपको देश का विकास हो सकेगा, तभी आपके यहाँ खुशहाली आएगी। ये मेरा नारा है। धन्यवाद सर। इस प्रदर्शन को लेकर आगामी योजना क्या रहेगी? अब देखिए, हम तो चल दिए हैं मंजिल की तरफ, देखते हैं आगे आगे कौन सी हर्डल आएगी, हम सबको क्रॉस करेंगे और देश पे हम संवैधानिक झंडा ही फहरा करके हम दम लेंगे। संविधान को लागू किए बगैर अपनी ज़िंदगी किसी और चीज़ के लिए काम नहीं करेगी, सिर्फ यही हमारा संकल्प है। अभी आपको गिरफ्तार किया तो इन्होंने कुछ ऐसी औपचारिकताएं निभाई होंगी या आपको वैसे ही छोड़ दिया गया है? नहीं, औपचारिकताएं बाकायदा हमको अरेस्ट किया गया है, हमारा नाम लिखा गया है, हो सकता है हमारे अगेंस्ट में केस भी रजिस्टर्ड किए जाएँ, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि आज की तारीख में सोशल एक्टिविस्टों पर रासुका का बहुत जल्दी लगता है। जैसे चंद्रशेखर, बगैर किसी उसके उस पर जब रासुका लग रहा है तो हो सकता है कल को हमारे ही आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाए। आज शरद यादव जी हैं, आज अली अनवर साहब हैं, वो संसद में एक आवाज़ हैं, गरीबों की आवाज़ हैं, विपक्ष की वो एक सामूहिक साझा विरासत की आवाज़ हैं। उन्हीं को जब मजबूर किया जा रहा है कि उनको संसद सदस्यता उनकी भंग कर दी जाए, इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है इस देश में? आज लोकतांत्रिक तरीके से गरीब लोग आता है और यहाँ पर सरकार के सामने अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, आपने जंतर मंतर को बंद कर दिया, आपने कहा जाइए यमुना के पार जाकर के अपने प्रदर्शन कर दिए, ये किस आधार पर है? क्या लोकतंत्र इससे बचेगा? लोकतंत्र का को अगर खतरा आप पैदा करेंगे तो सोच लीजिए आपकी सरकार के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। जनता जाग गई है, जनता पूछना चाहती है कि आखिर हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है, जबकि हम अच्छी आवाज़ कर रहे हैं, संवैधानिक आवाज़ उठा रहे हैं। धन्यवाद।